Hello students, in this lecture we are going to deal with the topic arithmetic progression. In short, it is AP, and we can find out this chapter in class 10th textbook also. And at the same time, this topic is a part of chapter in class 11th with the title Sequences and Series. In class 12th, under the chapter Sequence and Series, we have other type of progressions also, like geometric progression, arithmetico geometric, and some special progressions. Here in this lecture we will focus on arithmetic progressions only. So now let's start with arithmetic progression. Now when we say progression, then what does it mean? A series with progressing numbers, a series in which we progress with some numbers, is called a progression. In a very simple way we can understand it like this. Now what is arithmetic progression? So if there are numbers like a1 comma a2 comma a3 comma dot 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 an, these are the n numbers such that a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to dot 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 an minus an minus 1. So if a1 a2 a3 dot 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 a1 an are such that, sorry, are such that a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to an minus a minus 1, then a1 comma a2 comma a3 dot 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 an forms and AP, that is arithmetic progression. तो अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि n numbers a1, a2, a3, an, ये n numbers इस प्रकार से हों कि किसी भी दो consecutive number, consecutive means लगातार, कोई भी दो लगातार number लें जैसे a1 और a2, और इसका difference लें a2 माइनस a1, या a3 में a2 से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर a2 और a3 लें और इनका डिफरेंस लें. इसी तरह से लास्ट an और उससे एक पहले an माइनस 1 टर्म आएगा, an माइनस 1 टर्म आएगा, इससे इसका डिफरेंस लें. तो ऐसे में हमें ये जो डिफरेंस मिलेगा वो सेम मिलेगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, यही बात यहाँ पर लिखी गई है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, सो ऑन. सो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस यदि सेम आता है तो ऐसे नंबर्स के सीरीज़ को या प्रोग्रेशन को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. तो ये तो डेफिनेशन हो गया. अब हम देखते हैं कि जैसा कि नंबर्स हमने लिया है, a1 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, a1 इज व्हाट, फर्स्ट टर्म ऑफ ap. अब यहाँ पे एक टर्म जो हम डिफाइन करते हैं वो है कॉमन डिफरेंस. व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन डिफरेंस?
ऑफ एन एपी। अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो जैसा कि हमने लिया है ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन, एन टर्म्स का ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका कॉमन डिफरेंस यही होगा ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, सो ऑन सो। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लें हम ए पी का और उसका डिफरेंस ले लें तो वो हमेशा हमें सेम मिलेगा, यानी कि ये कॉमन है एमंग एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसीलिए इस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको हम डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, सो हियर स्मॉल डी इज इक्वल टू एनी एंथ नंबर माइनस ए एन माइनस वंथ नंबर, लाइक यू कैन से ए थ्री माइनस ए टू और यू कैन से ए टेन माइनस ए नाइन। टेंथ टर्म में से नाइन्थ टर्म को माइनस कर दीजिए, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेके अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस सेम आता है इन केस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसी डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सो नाउ वी विल लुक एट द जनरल टर्म फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म फॉर एन एपी, जनरल टर्म से हमारा क्या तात्पर्य है? यदि हमें किसी एपी का फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो, लेट्स से ए वन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, देन हाउ विल यू कंस्टिट्यूट दैट एपी? या आपसे कहें कि उस एपी का अब पहला टर्म किसी एपी का ए वन हो और कॉमन डिफरेंस डी हो, तो उस एपी का अगर मैं आपसे पांचवा टर्म पूछूं, फिफ्थ टर्म, मान लीजिए वो एपी 100 टर्म्स का है, वो 100 टर्म्स का भी हो सकता है, वो 50 टर्म्स का भी हो सकता है, वो सिर्फ तीन या चार टर्म्स का भी हो सकता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ एन लिख के चल रहे हैं, एन नंबर ऑफ़ टर्म्स, एन कैन टेक एनी वैल्यू। तो यदि किसी भी एपी के अंदर एन टर्म्स हैं और उसका कोई सा भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म हम निकालना चाहें, तो इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन जनरल टर्म का यदि पता चल जाए तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। तो अभी हम उसी के जनरल टर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरल टर्म क्या होगा, ज़रा देखिए एक्सप्रेशन लिखते हैं हम इसके लिए। उसको जनरली हम जनरल टर्म को ए एन से लिखते हैं, यानी एंथ टर्म, दैट इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर जनरल टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म यदि ए वन हो और कॉमन डिफरेंस डी हो, तो उसका nth टर्म, जनरल टर्म जिसे हम कहते हैं ए एन, वो ए वन प्लस एन माइनस वन डी के बराबर होगा। अब देखिए, अगर आपको ये जनरल टर्म है और आपको अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो ए फाइव ऐसे लिखेंगे, एन की जगह हमने क्या लिख दिया, फाइव लिख दिया, तो फिफ्थ टर्म को ये रिप्रेजेंट करेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू ए वन द फर्स्ट टर्म प्लस एन की जगह हमने फाइव लिया है यहाँ, तो यहाँ भी एन की जगह हम फाइव लेंगे, फाइव माइनस वन, यहाँ हमने एन की जगह फाइव ले लिया, फाइव माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी, ये हमारा फिफ्थ टर्म होगा। इसी प्रकार से अगर हमें
इलेवेंथ टर्म निकालना हो ए इलेवन, तो हम कैसे लिखेंगे, ए वन प्लस इलेवन माइनस वन इंटू डी। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देखिए ए फिफ्थ टर्म के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए वन प्लस फाइव माइनस वन इज़ वॉट, फोर, इट इज़ फोर डी। सिमिलरली इलेवेंथ टर्म के लिए यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी ए वन प्लस इलेवन माइनस वन, दैट इज टेन डी। सो दिस वे वी कैन डिटरमिन एनी टर्म, फिफ्थ टर्म, इलेवेंथ टर्म, एनी nth टर्म ऑफ एन ए पी। दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन फॉर जनरल टर्म। सो लेट्स मूव ऑन नाउ इन द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अरिथमेटिक मीन, ए एम। व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक मीन? फॉर एनी टू नंबर्स, लेट्स से ए एंड बी, इट्स अरिथमेटिक मीन इज ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। नाउ इफ यू विल लुक एट ए सीरीज, आई एम राइटिंग अ सीरीज ऑफ थ्री नंबर्स ए कॉमा ए प्लस बी बाय टू कॉमा बी। नाउ दीज थ्री नंबर्स विल कंस्टिट्यूट एन ए पी। We can check it out how these three numbers are constituting an AP. अब अगर ये तीन नंबर मिलके एक arithmetic progression बना रहे हैं तो according to definition of AP, किसी भी दो consecutive number को लें इन तीन numbers के series में तो उनका difference same आना चाहिए। This is the very definition of arithmetic progression that we had discussed earlier in this lecture. तो देख लेते हैं, हम second term और first term को लेते हैं। second term है a plus b by 2 minus a, और इसको हम solve करते हैं। इसको हम simplify करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा, 2 a plus b minus 2a. Now this comes out to be a minus 2a is minus a, so it is b minus a divided by 2. Now take these two numbers, third and second number, and take the difference, so it is b minus a plus b divided by 2. Now simplify this to 2b minus a minus b. It comes out to be 2b minus b is b, so it is b minus a divided by 2. Now you can see both of the two differences are same. So we can say now these three terms together form an AP. So after this much of discussion, we can conclude that if there are three numbers A, comma, capital A and B, if these three form an AP, then capital A is the arithmetic mean for these two numbers A and B, that is A is equal to A plus B by
2. Look here, the arithmetic mean of two numbers A and B. So this is the discussion about arithmetic mean. Now we will move forward towards the next concept, that is inserting arithmetic means between two numbers. Now using this conclusion, we have come across in the previous discussion. Now if I ask you a question, how to insert n number of arithmetic means, n number of arithmetic means AMs between two given numbers A and B. If this is the question, what will be the answer to this question? Now let us see. First of all, to solve this question, let's assume, suppose the arithmetic means, or you can say n number of AMs between A and B are A1 comma, it's better to write down arithmetic means with capital letters, R A1 comma A2 comma A3 comma dot 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 AN. These are the n arithmetic means to be inserted between small a and capital A. So if we suppose that these are the arithmetic means to be inserted between A and B, then now A comma A1 comma A2 comma dot 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 comma AN comma B will constitute an AP arithmetic progression of n plus 2 terms. Now try to understand this. In the preceding discussion, we have seen that if we are inserting an arithmetic progression between two numbers A and B, that is A plus B by 2, then the numbers A and B inserted with the arithmetic progression between them is constituting an AP. A और B के बीच में यदि हम एक arithmetic mean capital A को insert करते हैं, तो ये तीनों numbers मिलके यदि arithmetic progression बनाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पर A और B के बीच n arithmetic means को insert कर देंगे, तो ये सभी numbers मिलके एक arithmetic progression form करेंगे. और इस arithmetic progression में total number of terms कितने होंगे? n plus 2, क्योंकि n तो इसमें arithmetic means ही हैं जो हम लोगों ने बीच में insert किया है, और बाकी के दो numbers a और b, जो first number a होगा और last number यानी n plus 2th number b होगा. I hope this will be clear to all of you.
So looking this way, now let's find out the common difference between for this arithmetic progression of n plus 2 terms. So for getting the common difference, first suppose it, let d is the common difference for above AP, then what is the last term AN plus 2th term for this AP? Now use the expression for general term of an AP. Look at the expression for general term. Look here, if AN is this, then what is AN plus 2? Now we must substitute N plus 2 in place of N in this equation to get N plus 2th term. So N plus 2 is A1 plus in bracket N plus 2 minus 1 multiplied by 2 D, sorry D. So now in this discussion, N plus 2th term in this AP is B. B, the last term, is N plus 2th term. So in place of A N plus 2, we can substitute B. Now B is equal to A1. The first term of this AP is A. So we will write down A in place of A1 plus N plus 2 minus 1 will become N plus 1 and D. From here we can work out for D. Take A on the left side, it is B minus A is equal to N plus 1 multiplied by D. Now this implies D is equal to B minus A divided by N plus 1. Now here we got the expression for the common difference of this arithmetic progression with N plus 2 terms. After getting the common difference, we can get the second term, third term, fourth term, any term of this arithmetic progression. Let's write down the arithmetic progression once again. A comma A1 comma A2 comma dot 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 AN comma B. अब इस पूरे क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन था कि कैसे A और B के बीच N नंबर ऑफ मीन्स इंसर्ट किए जाएं. तो हमें सिर्फ A और B दिया हो और कुछ भी ना दिया हो, तो हम और सिर्फ हमें ये पता हो कि कितने मीन्स इंसर्ट करने हैं. ए यहाँ पे हमने एन नंबर ऑफ मीन्स लिए हैं. आपको क्वेश्चन में देगा, दो नंबर दे दिया जाएगा ए और बी, और पूछा जाएगा कि उसके बीच के पांच मीन्स, फाइव मीन्स इंसर्ट करिए या टेन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करिए. तो यहाँ एन की वैल्यू फाइव या टेन अकॉर्डिंगली हो जाएगी. तो अब ए वन हमें जो इंसर्ट करना है, उसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, फर्स्ट टर्म हमारे अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ए है, सेकेंड टर्म ए वन है. तो सेकेंड टर्म ए टू अगर हमें निकालना हो, तो जनरल टर्म के एक्सप्रेशन को यूज़ करें तो ये ए वन प्लस टू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी के बराबर होगा. सो दिस एम्प्लॉयज सेकेंड टर्म इज ए वन इन फैक्ट हियर. सो दिस इज इक्वल टू ए वन की जगह हम ए लिखेंगे फर्स्ट टर्म, प्लस टू माइनस वन इज वन, वन मल्टीप्लाइड बाई डी इज डी. डी की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं एक्सप्रेशन,
So this implies A1 is equal to A plus B minus A divided by N plus 1. ये वैल्यू हम यहाँ से D की वैल्यू रखते हैं. इसी प्रकार से हम A2 निकाल सकते हैं, सेकेंड मीन. A2 कैसे निकालेंगे? A प्लस, ये थर्ड टर्म है इस AP में, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड टर्म है ये बेसिकली, तो A3 लिखेंगे जनरल टर्म में लिखें तो A3 यानी कि सेकेंड वाला मीन जो है ये A प्लस थ्री माइनस वन, एन की वैल्यू यहाँ थ्री है तो यहाँ थ्री माइनस वन होगा इनटू डी. सो दिस इम्प्लॉयज ए टू इज इक्वल टू ए प्लस थ्री माइनस वन इज टू डी, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ए प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू अगेन हम ऊपर से लेंगे यहाँ से, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन. इसी प्रकार से हम ए थ्री निकाल लेंगे, ए फोर निकाल लेंगे. ऑल एन मीन्स ए एन कैन बी वर्क आउट इन दिस सेम वे. सो दिस इज ऑल अबाउट इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स. नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी. नाउ लेट्स से द ए पी इज ए कॉमा ए प्लस डी. हियर डी इज द कॉमन डिफरेंस प्लस, सॉरी डोंट राइट प्लस हियर, आई एम राइटिंग द ए पी ओनली. कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा डॉट डॉट डॉट. The last nth term is a plus n minus 1 d. आप देख सकते हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें n टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म यदि a होगा तो दूसरा टर्म a plus d ही होगा, क्योंकि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a plus d minus a करेंगे तो ये a और a कैंसिल होकर d मिलेगा. इसी प्रकार से आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो भी डी ही मिलेगा. आप देख सकते हैं ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी करेंगे तो ये ए माइनस ए और प्लस टू डी में से माइनस डी, ये ब्रैकेट खुलेगा तो टू डी माइनस डी इज़ अगेन डी. कोई भी दो टर्म आप लेंगे तो उसका डिफरेंस आप देख सकते हैं डी के बराबर हो रहा है. सो लुकिंग दिस वे ये ऊपर एक अरिथमेटिक मीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक मीन नहीं है. तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एन टर्म्स का है उसमें ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है. तो ये लिख लेते हैं हम लोग एक बार, ए इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस. सो इफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन टू अस, हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस ए पी. लेट्स डू इट. एस एन रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी. देन एस एन इज इक्वल टू ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ए प्लस डी प्लस थर्ड
third term a plus 2d plus dot 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 plus. What is this second last term? It is a plus 2d plus the last term is a plus n minus 1d. Now let's write down this Sn in reverse order. Reverse order means, see, Sn is equal to Sn sum. अगर इसके sum को represent कर रहा है तो Sn को हमने क्या लिखा है, first term plus second term plus third term, पहले term में दूसरा जोड़ें, दूसरे में तीसरा जोड़ें, ऐसे करते करते अंतिम term तक जोड़ें, या फिर हम अंतिम term के साथ last term के साथ second last term को जोड़ें और रिवर्स ऑर्डर में जोड़ते हुए आएँ. आप ऐसे समझिए कि हम 1 प्लस 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 प्लस 1 करें, सम तो सेम ही आएगा. तो इसी बात को यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे और अब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जो ऐड करेंगे, पहले हम लोग लास्ट टर्म को लिखेंगे, दैट इज़ a प्लस n माइनस 1d प्लस सेकेंड लास्ट टर्म को लिखेंगे a प्लस n माइनस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट. हम रिवर्स ऑर्डर में आए तो फिर सेकेंड टर्म a प्लस d फिर प्लस फर्स्ट टर्म a. आप देखिए हमने सिर्फ ऑर्डर को बदल दिया है, यहाँ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म करते हुए लास्ट टर्म, और यहाँ पे जो Sn को लिखा गया है यहाँ पे लास्ट टर्म सेकेंड लास्ट टर्म करते हुए फर्स्ट टर्म तक हम पहुँच जा रहे हैं. ऐसे हम इसको ऐड कर रहे हैं तो दोनों ही केस में एडिशन सेम आएगा, एस एन विल रिमेन सेम. अब हम क्या करते हैं कि इस वाले एस एन के एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और इस वाले एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं और दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. एड इक्वेशन 1 एंड 2. तो किसी भी इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो उसके LHS को भी ऐड करते हैं और RHS को भी. तो अगर LHS को देखें दोनों इक्वेशंस में तो यहाँ भी Sn है और यहाँ भी Sn है. ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ Sn हो जाएगा. Sn प्लस Sn इज़ ट्वाइस ऑफ Sn इज इक्वल टू. अब जरा RHS में देखते हैं, RHS में n टर्म्स यहाँ भी हैं, फर्स्ट से लास्ट n टर्म, यहाँ पे भी n टर्म्स हैं लास्ट से फर्स्ट टर्म, ऑर्डर से बदल गया है. तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट टर्म जो है और इक्वेशन नंबर 2 का जो लास्ट टर्म है, आई मीन a प्लस n माइनस 1d लास्ट टर्म ऑफ ap एंड हियर इट इज़ फर्स्ट टर्म ऑफ ap, इन दोनों को ज़रा ऐड करते हैं क्योंकि हमें ऐड ही करना है RHS में. तो ज़रा देखिए क्या आएगा, यहाँ पर a और यहाँ पर a जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा प्लस बच जाएगा क्या n माइनस 1d. आप जोड़ के देख लें, यही आएगा इन दोनों को जोड़ने पे, इधर का फर्स्ट टर्म और इधर का फर्स्ट टर्म जोड़ेंगे तो यही आएगा प्लस. अब यहाँ का सेकेंड टर्म और यहाँ का सेकेंड टर्म जोड़ें तो भी यही वैल्यू आएगी जो अभी हमारे पास आई थी. अब जोड़ के देखिए, यहाँ पे a और यहाँ पे a जुड़ेगा तो 2a आएगा प्लस यहाँ पर d और यहाँ से n माइनस 2d, तो n माइनस 2d में d को जोड़ के देखें आप तो ये भी n माइनस 1d के बराबर ही आएगा. तो आप देख सकते हैं दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं. फिर आप इसी तरह से थर्ड टर्म को फर्स्ट इक्वेशन के और थर्ड टर्म सेकेंड इक्वेशन का यहाँ जो भी आएगा उसको जोड़ें, ऐसे करते करते आप लास्ट टर्म फिर आपको फर्स्ट इक्वेशन का जो मिलेगा और लास्ट टर्म सेकेंड इक्वेशन का, ये यही दो टर्म्स हैं जो यहाँ फर्स्ट और लास्ट
मिले थे, तो अगेन आपको सम सेम मिलेगा। यानी कि दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इस इक्वेशन से अगर आप जोड़ते जाएंगे, इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं, तो आपको सेम टर्म मिल रहा है 2a + n - 1d। तो यहाँ पे जो टर्म वाइज एडिशन हो रहा है, यहाँ n टर्म्स हैं, n टर्म्स फर्स्ट इक्वेशन में भी हैं, n टर्म्स सेकंड इक्वेशन में भी हैं, तो ये वाला जो टर्म जोड़ने पे मिल रहा है ये भी हमें n टाइम्स मिलेगा, प्लस प्लस करते हुए ऐसे n टाइम्स। तो अगर हम एक ही नंबर को, एक ही टर्म को n टाइम्स ऐड करते हैं, तो डायरेक्टली n से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, n मल्टीप्लाइड बाई 2a + n - 1d। लेफ्ट हैंड साइड में इट इज़ 2sn। अब 2 से अगर हम इस 2 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो sn हमारा बच जाता है LHS में, RHS में n/2, 2 इधर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 2a + n - 1d। दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप देख सकते हैं n की वैल्यू पता हो इस एक्सप्रेशन में, a फर्स्ट टर्म पता हो, n पता हो और d कॉमन डिफरेंस, तो हम sn निकाल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। इसी के साथ ये डिस्कशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई बात अगर समझ में ना आई हो इस वीडियो में, किसी को कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। एंड इन अपकमिंग वीडियोस आई विल डिस्कस फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।